हेलो एवरीवन, ये स्लैग वॉस का छठा भाग है जिसमें कि हम 6 से 7 साल की लड़की का कुर्ता बनाना बताएंगे। सबसे पहले हमें 1 मीटर का कपड़ा लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ध्यान रहे सीधी तरफ से फोल्ड करना है जिधर इसकी कन्नी होती है। अब हमें इस कुर्ते की लेंथ लेनी है जो कि 29 है और लेंथ में 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो ये 30 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें नीचे की तरफ पल्ले का निशान लगाना है जो कि हमारे 13 इंच है, तो हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच का मार्जिन रखना है कुछ इस तरह से। अब हमें ऊपर तीरे के निशान लगाना है जो कि 6 इंच पे लगाना है। तीरे से 1 इंच नीचे निशान लगाना है और इसको मिला देना है कुछ इस तरह से। मिलाने के बाद अब हमें आर्म होल यानी कि मुड्डे का निशान लगाना है 5 इंच पे। उसको सीधे निशान लगाना है और 1 इंच गोलाई लेके निशान लगा लेना है। अब हमें चेस्ट पे निशान लगाना है जो कि हमारी 11 इंच है, तो 5.5 इंच में निशान लगाना है और 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। फिर इसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है 5 इंच पे। 5 इंच पे निशान लगाने के बाद कमर हमारी 10 इंच है, तो 5 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। फिर इसको इस प्रकार से मिला देना है। फिर हमें हिप का निशान लगाना है 11 इंच पे। अब हमारे हिप है 12 इंच, तो हमें 12 इंच पे निशान लगाना है, 6 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। फिर कुछ इस तरह से मिला देना है। अब हमें नीचे पल्ले का निशान लगाना है 13 इंच पे, जो कि हमने पहले लगा रखा था। 13 इंच पे लगाने के बाद इसको 1.5 इंच का मार्जिन रखना है और इस प्रकार से अब हमें इसे कैंची की मदद से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे काट देना है कुछ इस प्रकार से। अब हमें इस तरह से ही बैक वाला पार्ट कट कर लेना है।
कपड़ा बचा है अब हम उसमें से बाजू बनाते हैं। बाजू की लेंथ है हमारी 12 इंच। पहले कपड़े को एक फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, फिर इसको डबल फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, फिर हमें बाजू की लेंथ नापनी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।